रमजान के पवित्र महीने में गंदगी के ढेर, बह रहे बदहाली पर आंसू। 52 हरदोई। स्वच्छता को लेकर केंद्र और प्रदेश की सरकार सक्रिय होने का भले ही लाख दावा करती हो, लेकिन 52 ब्लॉक में प्रशासन स्वच्छता को लेकर बिल्कुल मौन नजर आ रही है। ब्लॉक के प्रशासनिक अधिकारी गंदगी से गुजरने के बावजूद लापरवाह नजर आ रहे हैं। सदर बाजार 52 और भूषण चौराहे से लेकर पूरी बस्ती में नालियां खुली पड़ी हैं। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर व गड्ढे अनहोनी को दावत दे रहे हैं। अगर सफाई का यही माहौल 52 में रहा तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि आने वाले दिनों में 52 में गंभीर बीमारियों का बसेरा होगा। ग्राम पंचायत 52 के सेक्रेटरी शशिकांत द्विवेदी जनता की समस्याओं को न सुनकर अपनी ही मनमानी थोपने का कार्य कर रहे हैं। जब ब्लॉक मुख्यालयों का ये हाल है तो गांवों का क्या हाल होगा? आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 52 के हालात कितने दयनीय हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर से यह देख सकते हैं। ये तस्वीरें ब्लॉक मुख्यालय 52 की है। बीडीओ दफ्तर जाने के लिए आपको इसी रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा। इस कीचड़ भरे रास्ते से सैकड़ों लोग ब्लॉक कार्यालय को जाते हैं। यही नहीं, बीडीओ समेत विकास महकमे से जुड़े तमाम सेक्रेटरी व अन्य अधिकारी भी यहाँ से प्रतिदिन आते जाते हैं। देखने वाली ये बात यह है कि इन जिम्मेदारों को गंदगी से भरी इस रोड की हालत दिखाई नहीं देती। ब्लॉक मुख्यालय तक जाने वाले रोड पर गहरे गहरे गड्ढे भी हैं, जिससे राहगीरों का निकलना मुश्किल होता है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी गड्ढों व सड़कों पर भरा रहता है, जिसमें रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 52 कस्बे वासियों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, पर किसी अधिकारी ने इस समस्या को दूर करने की जहमत उठाने की बात तो दूर। जिम्मेदार अधिकारी अपनी गाड़ी का शीशा बंद कर ऐसे निकलते हैं मानो उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। इससे साफ दिखाई देता है कि जिम्मेदारों द्वारा सरकार के स्वच्छता मिशन को नाकाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ के प्रधान और सचिव की लापरवाही समझने के लिए ये तस्वीरें ही काफी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को यूं ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या उन्हें इस समस्या से निजात मिल सकेगा। हाँ बताइए, कहाँ क्या परेशानी है? अरे परेशानी क्या है, ना कबो नाले साफ होती है, ना हमारे मोहल्ला को साफ होती है। 12 नंबर 11 मोहल्ला मीरम पट्टी ना पड़ी है। सफाई कर्मचारी नहीं आते क्या? कभी कबाऊ सफाई कर्मचारी नहीं आते। कब से नाली नहीं साफ हुई? नाली कबाऊ साफ है ना, जो साफ करी वो अपनी खुद स्वयं साफ करते हैं। आपने शिकायत की किसी से? शिकायत कोई पर नहीं करी। सफाई कर्मी पर एक बार नहीं कही, नहीं कही, लेकिन सफाई कर्मी कमा कूड़ा उठाऊ ना है ना कमा साफ कर। हाँ बताइए क्या समस्या है आपके यहाँ? समस्या यह है कि यहाँ एक कोई सफाई कर्मी आता नहीं, सेक्रेटरी प्रधान से कहो बसते नहीं। अच्छा, मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन चला रहे हैं, यहाँ हम लोग अपने आप नालियाँ साफ कर रहे हैं, वो भी बीमारी फैलने का सकता है। क्या नाम है आपका? प्रधान संजीव फातिमा। तो कहाँ के? 52 प्रधान। अच्छा, आपने शिकायत की? शिकायत कई बार कर चुके, कोई सुनता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामपाल। हाँ क्या बता रहे हैं आप? हम बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, स्वयं मैं अपनी नाली अपने मोहल्ला 5 बार की साफ करता हूँ। प्रधान कर्मचारी के पास जाओ तो वो अपनी समस्या इधर उधर बता देते हैं। कर्मचारी नहीं, विकास खंड अधिकारी से जाओ, वो भी अपनी बात रख देते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करें, ईद का रमजान महीना है बताओ, पूरा लगा हुआ है रमजान 5 तारीख को। ये कोई स्वच्छ भारत अभियान मोदी करना है, मगर ये यहाँ के कर्मचारी प्रधान ये सब ऐसे करें। सफाई कर्मचारी नहीं आते बिल्कुल? सफाई कर्मचारी देखने को नहीं आते इधर 5 बार में। हाँ, ये सब उनकी मिली भगत है, खंड विकास अधिकारी और ये